स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू लर्न द सेकंड यूनिट कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच यूनिट में क्या क्या पढ़ा बेटा? डिमांड पढ़ा, ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ा और कार्डिनल अप्रोच पढ़ा। आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर पहले होगा, लेकिन मैं इसको लास्ट में समझा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और इन चीजों पर आपको समझ में हो जाता, इसीलिए मैं आपको इसको लास्ट में समझा रही हूँ। कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच किसने इंट्रोड्यूस करी थी? मार्शल ने। क्या कहा था उन्होंने कि जो ह्यूमन वांट्स का जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको उन्होंने नंबरिंग फॉर्म में कार्डिनल नंबर 1, 2, 3 में प्रेजेंट करा था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। और कौन से कंसेप्ट पर है ये? यूटिलिटी पर, इसलिए हम इसको यूटिलिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं, अप्रोच भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच बोला जाए या यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी है पावर और कैपेसिटी, सॉरी, पावर और कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। क्या है यूटिलिटी? यूटिलिटी पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ए, सॉरी, पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, देन पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूटिलिटी कंसेप्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तो इसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। कितने टाइप्स की होगी ये? 3 टाइप्स की होगी, टी यू, एम यू और एक आएगा इसमें एम यू एम। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए क्या है, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर इज नॉन एज यूटिलिटी। आप ये भी बोल सकते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर इज नॉन एज यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर, वॉन्ट सेटिस्फाई और लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, वॉन्ट सेटिस्फाई पावर इज नॉन एज यूटिलिटी। ठीक है, इसको हम यूटिलिटी कंसेप्ट बोलते हैं। अब बेटा ध्यान रखना है कितने टाइप की होती है ये? 3 टाइप की। वैसे 2 टाइप ही हम इसको बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दोनों बता रही हूँ। टोटल यूटिलिटी यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल कमोडिटीज। एंड द व्हाट अबाउट द मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स होता है यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए, तो कहां से मिलेगी? डिराइव फ्रॉम all consumption of commodity। और ये किससे मिलेगी? एडिशनल, डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एडिशनल कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ये भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी।
देखिए इसमें कमोडिटी का कंजप्शन करा, ठीक है। सिंगल केस में बता रही हूँ, टू केसेस में हम इसको पढ़ेंगे, सिंगल कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। पहले हम सिंगल केस की बात कर रहे हैं। सपोज आपने किसी भी चीज को कंज्यूम करा, एक्स कमोडिटी है हमारे पास में, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब यूनिट हमने उसकी ली, यूनिट हमने ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब उसकी अभी हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। एक तो टी यू कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे और एक एम यू, इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा और समझना। अगर ये समझ में आएगा तो आगे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन समझ में आएगी। मार्जिनल यूटिलिटी, आपने कोई भी एग्जाम्पल लिया, वो जो एक्स कमोडिटी है वो हो सकता है कोई भी पानी का ग्लास आपने पिया है, पानी के ग्लास की आप बात कर रहे हैं, आप कोई फ्रूट की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने उसकी फर्स्ट यूनिट ली, आपने पहला फ्रूट वहां पे लिया, या आपने पहली चपाती ली, या आपने पहली ब्रेड ली, या आपने पहला पानी का ग्लास लिया, जो भी आप ले रहे हैं, एक ही कमोडिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे आपने, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी के ग्लास की हम बात कर रहे हैं। सपोज हमने पहला पानी का ग्लास वहां पे, हमें बहुत प्यास लग रही है और हमने सुबह से पानी नहीं पिया है और अब हम उस पानी को पी रहे हैं, तो हमने जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर हम यूज में ले रहे हैं, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सपोज हमारे को 20 मिला, ठीक है। अब उस ग्लास की प्राइस तो क्या होगी, 5 रुपीज होगी, 5 रुपीज होगी या 4 रुपीज होगी, 5 रुपये पानी के ग्लास के लगते, ठीक है। लेकिन हमें इतनी प्यास लग रही थी कि अगर हमसे कोई 20 रुपये भी वहां पे मांगता तो हम उसको देने के लिए रेडी हो जाते, तो हमने उसको एक इमेजिनरी कंसेप्ट लॉज कर दिया, ठीक है। अब हमने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर वहां पे कंज्यूम करा, तो आप खुद सोचिए जितना सेटिस्फेक्शन इससे मिला, क्या उससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, बताइए, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा जब हम सेकेंड वाटर और ग्लास पियेंगे, ठीक है। तो पहले से क्या होगा, ये कम मिलेगा, इसका मतलब सपोज 15 ले लिया हमने, अब कितना मिलेगा कंजप्शन, 15 ले लिया, 15 ग्लास हमारे को यहाँ पे कंजप्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने एक पानी का ग्लास पी चुके हैं, तो हमें पहले जितनी प्यास थी उतनी अब नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, हमारा डिक्लाइन हो रहा है। उसी समय हमें किसी ने कहा थर्ड हमें पानी का ग्लास और पिला दिया, तो हमें सेटिस्फेक्शन तो मिला क्योंकि हमें बहुत तेज प्यास लग रही थी, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या हुआ, कम मिला, तो ये यहाँ पे और कम हो गया सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और पी लिया, कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, नील सेटिस्फेक्शन दिया, नील मतलब अगर हम इसको और अगर हमें एक ग्लास पानी का नहीं मिलता नहीं थी, फिर भी हमने एक ग्लास ऑफ वाटर को वहां पे कंज्यूम, हमने 6th ग्लास वॉमिट कर दे, ठीक है, हो सकता है हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं और जबरदस्ती हमें पिलाया गया हो, तो ये नेगेटिव एक्शन हमारे को वहां पे देगा, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या हो गया, कंटिन्यूटी में डिक्लाइन हो रहा है। अब देखिए इससे हम टोटल कमोडिटी, टी यू एक्स क्या था, टोटल यूटिलाइजेशन, टोटल यूटिलाइजेशन कैसे डिराइव करा था हमने, कंजप्शन ऑफ ऑल कमोडिटीज। फर्स्ट से हमें कितना कंजप्शन मिल रहा है, 20 का हमारे पास सेटिस्फेक्शन फर्स्ट का भी मेंटेन है, और अब हमने पहला ग्लास पिया और पहले के बाद हम बोल रहे हैं हमने 2 ग्लास पानी पी लिया। अब जब हमने 2 ग्लास पानी पी लिया तो टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं 3 ग्लास पानी हमने पी लिया, जब 3 ग्लास पानी हमने पी लिया तो टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है।
फिर हमने और ऐड करा, अब इसमें हम इसको ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 50 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हमारा 45 हो गया। तो ये सेटिस्फेक्शन हमारा यहाँ पे टोटल सेटिस्फेक्शन देखिए, और इंक्रीज होने के बाद में मैक्सिमम हो रहा है, और मैक्सिमम के बाद में इस लेवल पे जाके क्या हो रहा है, ये डाउन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में ये डाउन ही हो रहा है, जीरो हो रहा है, और फिर उसके बाद में जाके ये नेगेटिव में हो रहा है। आप कोई भी वैल्यू लीजिए, 100, 200, 300 में लीजिए, 1000, 2000 में लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो भी वैल्यू यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये वैल्यू डिक्लाइन होती हुई आएगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके बाद मैक्सिमम पे पहुँचेगी, और फिर ये डिक्लाइन आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्वांटिटी लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम जिस भी चीज का डायग्राम बना रहे हैं, अभी हम टीयू और एमयू का डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे टीयू एंड एमयू ही लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में यहाँ कितनी जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू 50 है, और कितने पॉइंट हम दिखा रहे हैं क्वांटिटी के, 6 पॉइंट दिखा रहे हैं। तो नियर अबाउट हमें इस लेवल पे कितना गैप चाहिए, 10 का गैप चाहिए, तभी हम यहाँ पे 5 पॉइंट दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में आपने पॉइंट दिखा दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और 6 भी दिखा देते हैं, 6। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने 5 पॉइंट दिखाए, तो 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब देखिए फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी, पहले टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 20 है, तो फर्स्ट पर कितनी है 20, ये 20 मैंने यहाँ से पॉइंट अलॉट कर दिया। सेकंड पर कितनी है 35। ठीक है, तो सेकंड यूनिट है ये, और इसी की रेंज में मुझे अब 35 चाहिए इससे, तो 35, 30 और 40, तो इसका सेंटर हो गया 35, ये मैंने 35 ले लिया यहाँ पे, तो ये मुझे सेकंड पॉइंट मिल गया। ठीक है, थर्ड पे 45, थर्ड और 45, तो नियर अबाउट हियर 45, फिर 50, फोर्थ पे 50, इसी 50, और 6 पर वापस 45। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करते हैं, सारी फ्लोटिंग को हम ऐड करते हुए जाएंगे, ज्वाइन करते हुए, और ये मैक्सिमम पे आया, और इसके बाद में ये डाउन आ गया। ये हमारा कौन सा कर बना, टी यू का, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी का। अब मार्जिन, मार्जिन कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो ये फर्स्ट पे कितना था, फर्स्ट पे ये था 20, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पर कितना था 15, थर्ड पर 10, फोर्थ पर 5, फिफ्थ 0 एंड 6 माइनस 5, और ये हमारा कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।